नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वैज्ञानिकों ने लद्दाख में सिंधु नदी के उत्तर में श्योक और न्यूब्रा घाटी में करीब 30 करोड़ साल पुरानी चट्टान की खोज की है। वैज्ञानिकों के मुताबिक खोज में मिली चट्टान गोंडवाना काल की है। इस चट्टान के पास ही गोंडवाना भूमि के समय के बीजों के जीवाश्म भी मिले हैं। ये शोध पत्र अमेरिका की शोध पत्रिका जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ताजा अंक में प्रकाशित हुई है। इस खोज को बेहद अहम माना जा रहा है। इस खोज को करने वाली टीम के लीडर प्रोफेसर राजीव उपाध्याय का कहना है कि 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी में विषुवत रेखा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में दो बड़े भूखंड थे। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका आदि थे। इनको ही गोंडवाना लैंड कहा जाता था। वहीं उत्तरी ध्रुव में लोरेशिया था। अब तक भूवैज्ञानिकों की खोज में पता चला है कि इंडियन और एशियन प्लेट लद्दाख में टकराई थी। वैज्ञानिकों को इसके भूवैज्ञानिक प्रमाण यहाँ की चट्टानों से मिलते रहे हैं। नई खोज के अनुसार लद्दाख के उत्तर में सिंधु नदी के ऊपर छोटा भूखंड है, जिसके उत्तर में कराकोरम पर्वत है। इस भूखंड में गोंडवाना काल में उपयोग किए गए कोयले, पेड़ पौधे, तने, पत्तियों और बीजों के जीवाश्म मिले हैं। प्रोफेसर उपाध्याय के अनुसार लद्दाख और कराकोरम के बीच नया भूखंड मिलने से हिमालय के उद्भव और विकास में नया आयाम मिलेगा। हिमालय की भूसंरचनात्मक अध्ययन के आकलन के लिए नए शोध के द्वार खुलेंगे। उत्तर पश्चिम भारत के लद्दाख ब्लॉक और कराकोरम पश्चिम तिब्बत के ल्हासा और कियांगतुंग भूखंडों की उत्पत्ति और विकास को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में लद्दाख ब्लॉक, दक्षिण में भारतीय प्लेट और उत्तर में यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। लद्दाख क्षेत्र दक्षिण में सिंधु और श्योक जोन से घिरा हुआ है। फिलहाल वैज्ञानिकों ने जिस चट्टान की खोज की है, इसे बेहद ही अहम माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इससे और भी कई रहस्यों का पर्दाफाश हो सकेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।